गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम भाइयों। तो भाई आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं भाई? आज अपनी स्टार सिटी प्लस जो बाइक है, तो भाई आज इसका बैक और फ्रंट ब्रेक शू डालेंगे। ब्रेक शू क्या है, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं भाई बाइक के, और एयर फिल्टर डालेंगे, ठीक है। तो भाई अपनी बाइक में क्या है, मेरे खुद के हाथ से काम करता हूँ ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। एक सुकून आता है कि हाँ अपनी बाइक अच्छे से कम्प्लीट हो चुकी। वैसे भाई वर्कशॉप पे भी अच्छी सर्विस करते हैं, अच्छे से काम होता है, लेकिन भाई एक अलग ही फील आता है खुद के हाथों से अपनी गाड़ी को तैयार करना। तो भाई TVS के वर्कशॉप से मैं आगे के और बैक पीछे के ब्रेक शू और एयर फिल्टर लेके आया हूँ, बिल्कुल जेन्युइन है, आप देख सकते हो। तो भाई ये स्टार सिटी का 110cc है जो बाइक, इसका ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट्स है एयर फिल्टर का, और ये ब्रेक शू है फ्रंट के, ये जेन्युइन है, और ये बैक का है भाई, ये 140 रुपये MRP का है। जो फ्रंट का ब्रेक शू है ये 168 रुपये का है, ठीक है भाई। तो आज इसको लगाते हैं। तो भाई आगे और पीछे के ब्रेक पैड चेंज करने के लिए हमें टूल की ज़रूरत पड़ती है, जो टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई ये 18 नंबर का है, ये 17 mm का है, इनको काम में लेंगे, और फ्रंट का टायर खोल, जैसे कि भाई आगे के फ्रंट टायर को खोलने के लिए 17 mm की टोमी चाहिए, तो इसे खोलते हैं। भाई बहुत टाइट है यार, पता नहीं काफी सालों से खुला नहीं था। टायर को बाहर निकालने के लिए हथौड़ी की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो इसको हल्के हाथ से खोल के बाहर निकालना है। तो टायर को बाहर निकालते हैं, ये देखो भाई जैसे कि ब्रेक शू आगे की खत्म हो चुकी है बिल्कुल, और अंदर देखो कार्बन, अब इसके नए ब्रेक पैड डालते हैं, ठीक है। ये जो है ब्रेक पैड है, तो इसकी ओपनिंग करते हैं। तो भाई नए ब्रेक पैड लगाने के लिए ये वाले इस तरीके से खींच के और फिर निकालने पड़ते हैं, ठीक है भाई। कुछ इस तरीके से मूवमेंट करके और ये निकल चुके हैं, ये पुराने वाले निकल चुके हैं, और ये देखो भाई कितने ब्रेक शू घिस चुके हैं, बिल्कुल इसके लेवल से आ चुके हैं। तो अब ये नए वाले लगाएंगे, और नए वाले लगाने के लिए लगाने से पहले भाई ये सैंड पेपर है जिसको रेगमाल भी बोलते हैं, तो इससे अंदर की इसमें जो स्क्रेचेस वगैरह जो आ गए ना, तो इसकी घिसाई करके कार्बन वगैरह जो भी है सब क्लीन करके फिर नया वाला ब्रेक पैड डालेंगे। तो भाई ब्रेक शू नए डालने से पहले एक बार इसको अपन क्लीन करते हैं सैंड पेपर से, इस तरीके से बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। सारा कार्बन हटा लेते हैं एक बार, जैसे कि इसको साफ किया, और इसको सैंड पेपर से अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, और भैया इस तरीके से ब्रश से जो कार्बन है डस्ट है इससे बाहर निकाल देंगे। जैसे कि भाई ये अपना आगे का ब्रेक पैड बैठ चुके हैं प्रॉपर, तो इसे फिट करते हैं इस
तरीके से भाई आप देखो ब्रेक कितना ऊपर आ चुका है और पकड़ अल्टीमेट पकड़ है भाई इसकी। भाई इसको फिट करते हैं। तो भाई आगे का ब्रेक शू अपन डाल चुके हैं, तो भाई टायर को अच्छे से टाइट कर देते हैं और भाई ब्रेक पैड अच्छे से टाइट करना है इसको। ये अच्छे से टाइट हो चुका है भाई। भाई गर्मी देखो कितनी तेज गर्मी हो रही है, पसीने पसीने आ रहे हैं। जैसे कि भाई आगे के ब्रेक शू चेंज कर चुके हैं, अब बैक के जो टायर है उसके ब्रेक शू नए डालते हैं और वो ही 17 mm की टोमी से खुलेगा ये। तो इसको खोलते हैं भाई। पीछे का टायर खोल चुके हैं और ये ब्रेक शू दिख रहे हैं आपको, ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं भैया। ये देखो आप बिल्कुल घिस चुके हैं, ऐसे नए ब्रेक पैड डालेंगे। ये जेन्युइन है अपने पास, जेन्युइन है। तो भाई वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो भाई आप बोर हो जाओगे, इसलिए थोड़ी शॉर्ट में बनाते हैं वीडियो। जैसे फ्रंट टायर में ब्रेक शू डाले थे सैंड पेपर से, ब्रेक माल अंदर लगाया था, उसी तरीके से बैक में करना है, ठीक है भाई। तो भाई बैक के टायर में भी ब्रेक शू लगा चुके हैं, अभी से फिटिंग करते हैं उसी तरीके से जैसे आगे फिट करे थे, उसी तरीके से पीछे का ब्रेक पैड चेंज करना है और फिट करना है। तो भाई इसके पकड़ देखो कंप्लीट है, इसे लगाते हैं। भाई पीछे के ब्रेक शू डल चुके हैं और टायर को अब अच्छे से टाइट कर देते हैं, ठीक है। अच्छे से टाइट करना है भाई। जैसे कि भाई पीछे का ब्रेक शू डाल चुके हैं, अब एयर फिल्टर नया डालते हैं। तो एयर फिल्टर डालने के लिए यहाँ से चाबी ऑन कर अनलॉक करना पड़ेगा सीट हटा के, और एक ये स्क्रू खोलना पड़ेगा भाई, ये स्क्रू खोलने पड़ेंगे नीचे साइड। तो इस तरीके से साइड का पैनल है खुल गया है और एयर फिल्टर इस बॉक्स के अंदर है, इसे भी खोलते हैं भाई। तो ये एयर फिल्टर है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। भाई इसे लगाते हैं, नए वाले अंदर से क्लीन कर लिया और नया एयर फिल्टर लगाते हैं। तो ये इस तरीके से लगे, नया एयर फिल्टर डाल चुके हैं और ये देखो बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल नेट एंड क्लीन। और ये पहले का जो एयर फिल्टर था ये देखो आप बिल्कुल गंदा हो चुका है, ये डस्ट से भर चुका है, ये बेकार हो गया, बिल्कुल फेंकने का है ये। तो इस तरीके से पत्ती वगैरह लगा देते हैं और इसे वापस पैक कर देते हैं भाई। वापस से जैसे खोला है उसी तरीके से फिट करना है। भाई गर्मी देखो कितनी तेज गर्मी हो रही है, पसीने देखो भाई की हालत, हाथों की हालत देखो कैसी हो चुकी है भाई। इसे पैक कर देते हैं ना, जैसे खोला भैया वैसे पैक करना है। ये वापस से 3 स्क्रू लगेंगे।
होप करता हूँ भाई आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर कमेंट करो और भाई भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और भाई बेल आइकन दबाओ आगे की नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, बाय बाय।